नमक कैसा है इसमें? बिल्कुल ठीक है। और माँ मिर्ची? ओहो, तू क्यों परेशान हो रही है? देख, खाने का मजा नमक और मिर्ची से नहीं आने वाला है, वो तो तेरे हाथ में जादू है। तू जो भी बनाएगी बहुत अच्छा बनेगा। माँ फिर भी, माँ जरा से ये पालक पनीर चख कर देखिए, ये ठीक है कि नहीं है? मैंने चख लिया है बेटा, मैंने चख लिया है, बिल्कुल ठीक है। फिर तू परेशान हो रही है? माँ फिर भी हमें कुछ समझ में नहीं आता। माँ पहले तो हमें इनकी पसंद नापसंद हर बात के बारे में सब कुछ पता होता था, पर अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि इन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। बेटा तूने जो भी बनाया है ना, देखना उसे बहुत अच्छा लगेगा। वक्त ने तुम दोनों के बीच में दूरियां जरूर पैदा कर दी हैं, लेकिन देखना एक दिन वक्त ही इन दूरियों को पूरा भी करेगा। खाना वाकई बहुत लजीज है। सच में खाना बहुत बढ़िया बना है। मजा आ गया। वेरी गुड वेरी गुड, लीजिए। वाह, थैंक यू भाई। वाह सागर साहब, अगर ऐसा खाना आप हमें बार बार खिलाएंगे ना, तो यकीन जानिए कि हर बार हम लोगों को ये डील आपके साथ ही फिक्स करनी पड़ेगी। और उन प्रोडक्ट्स की डील जिन्हें आपकी कंपनी मैन्युफैक्चर ही नहीं करती है। अरे महाराज जी, आप ऑर्डर तो दीजिए, फिर देखिए एक यूनिट लगाएंगे हम खास आपके लिए। क्या बात है भाई। सागर साहब, मेरा दिल कहता है कि ये खाना जरूर आपकी धर्मपत्नी ने ही बनाया होगा। अरे भाई, ऐसा जादू तो पत्नी के हाथों में ही होता है। मेहरा जी, मेरी तो अब तक शादी भी नहीं हुई है। I'm single and ready to mingle. ये खाना जो आप लोगों ने आज खाया, जो इतना लजीज था, वो मेरी मेड ने बनाया। विद्या। ओह सॉरी। इट्स ओके, नेवर माइंड। वैसे भी सागर साहब बहुत ही खुशकिस्मत इंसान है आप। इतनी अच्छी नौकरानी मिलना ये बहुत बड़ी बात है साहब। बिल्कुल। आप लोगों को हमारा
हमारे हाथ का बनाया हुआ खाना अच्छा लगा, उसके लिए धन्यवाद। हम अंदर जा रहे हैं। अरे विद्या, ये रख लो। अरे बख्शीश है, रख लो। तुमने खाना वाकई बहुत अच्छा बनाया, शर्माओ मत, रख लो। रख लो। सागर बेटा, इसकी क्या जरूरत है? विद्या कोई पराई थोड़ी है, वो एक घर के सदस्य जैसी है ना। मॉम, मुझे पता है विद्या आपको बहुत पसंद है, और वो अभी इस घर की सदस्य है। विद्या, खाना वाकई बहुत अच्छा था, प्लीज इसे रखो। तुम्हारा एक बच्चा है ना, उसके लिए स्वीट्स, टॉफीज, टॉयज, व्हाटएवर खरीद लो। विद्या, गुड जॉब, हम बहुत खुश हैं। नाइस फूड, रख लो। सागर जी, आ जाओ बेटा, बाकी की बातें तय करके डील फाइनल कर लेते हैं। तो सबरवाल जी, डील फिक्स कर ले? डन डन, वेरी गुड वेरी गुड। आओ साइन कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स। आइए ना। हमारी गलती की वजह से विद्या को ये सब सहना पड़ रहा है। हम में तो अभी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि जाकर उसके आंसू पोछे। हमें तो शर्म आ रही है अनिकेत, कि हम सब उसे घुटते हुए देख रहे हैं इस तरह, और हम कुछ नहीं कर सकते। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। विद्या ने हमारे लिए, इस परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया है, क्या कुछ नहीं सहा है। सागर को ठीक कराने के लिए जगह जगह मारी मारी फिरती रही, और अब जबकि सागर ठीक है और उसके हंसने खेलने के दिन है, वो इतना कुछ सह रही है। इस घर की वो मालकिन है और एक आया बन के रह रही है। नहीं अनिकेत, अब हम ये सब नहीं देख सकते, हमसे नहीं देखा जा रहा। क्या कोई उपाय नहीं है कि हम उस बच्ची को उसकी खुशियां लौटा दें? मां, इस सब का एक ही उपाय है कि सागर को सब कुछ सच सच बता दिया जाए। अरे मॉम, आप पानी लेकर क्यों आए हैं? विद्या को भेज दी थी, सो गई है क्या? कोई बात नहीं बेटा, हमने सोचा हम ले जाते हैं, सोचा इसी बहाने तेरे से कुछ बातें हो जाएंगी। जी थैंक यू। अरे जीजू, आप भी आइए ना। बताइए,
क्या हुआ? बताइए मॉम, शूट क्या बात है? सागर, सागर तुम्हें याद है जब तुम सिंगापुर से लौटे थे तो मैंने तुमसे कहा था कि पिछले 2 सालों में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिनके बारे में तुम्हें जानना चाहिए और वो हम तुम्हें धीरे धीरे बता देंगे। मुझे याद है। हम लोगों को लगता है कि अब तुम्हारी तबीयत बेहतर है, तुम ठीक हो गए हो, तो हमें तुम्हें वो चीजें बता देनी चाहिए। जीजू, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? बताइए ना। I'm fine. मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। बताइए क्या बात है? बता। आप लोग इतने इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ बात है क्या? जीजू, मॉम, सब कुछ ठीक है ना? नहीं नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ बेटा, वो दरअसल जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था और तुम बच्चे जैसे हो गए थे तो तुम्हारे पिताजी जैसे अपनी जिंदगी से ऊब गए थे बेटा। उनको हर वक्त हर समय तेरा ही ख्याल रहता था। ये फिक्र रहती थी कि उनके जाने के बाद तेरा क्या होगा, कौन ख्याल रखेगा तेरा। तब उन्होंने ये फैसला किया कि तुम्हारी शादी की जाए। कोई भली सी लड़की जो तुम्हें संभाल सके उससे तुम्हारी शादी कर दी जाए। बस तेरे पिताजी की इस इच्छा को पूरा करने के लिए हम बनारस गए और वहां किस्मत ने हमें विद्या से मिला दिया। विद्या हम लोगों को इतनी अच्छी लगी, इतनी भाई हम सबको, कि हमने सोचा कि इतनी अच्छी आया मिल जाए तो तुम्हारी शादी करने की क्या जरूरत है। इसका मतलब विद्या के मिलने के बाद आप लोगों ने शादी का फैसला बदल दिया। वो तो और क्या करते हैं? तुम्हारी रजामंदी के बगैर हम तुम्हारी शादी कैसे कर लेते? और फिर उस वक्त तुम कोई फैसला लेने की या सोचने समझने की स्थिति में नहीं थे बेटा। छोटी माँ, अनिकेत चले, सागर को नींद आ रही होगी। चलिए। मॉम, बात इतनी सी नहीं है, बात कुछ और है। क्यों जीजू, मैंने सही कहा ना? जिस तरह आप लोग टेंस लग रहे हैं इस तरह साफ जाहिर हो रहा है कि बात कुछ और है। आप लोग कुछ और बात करने आए थे। मॉम, आप मुझे बताइए बात क्या है? सब लोग विद्या को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? हर वक्त उसी की बातें क्यों होती है इस घर में? विद्या तो इस घर की आया है ना, या फिर कोई और बात है जो उससे जुड़ी है? कोई बात नहीं है बेटा, वो क्या है ना,
छोटी माँ विद्या को बहुत चाहती हैं। तुम बीमार थे, विद्या ने तुम्हारी बहुत सेवा की है, शायद इसलिए। आप लोग जब भी विद्या की बातें करते हैं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये सब बातें उसकी उसकी शादी से जुड़ी हैं। जब से आप लोगों ने कहा कि विद्या की शादी हुई है, उसके पति ने उसे छोड़ दिया। मुझे बहुत अजीब लगता है जब भी मैं उसकी उसकी तरफ देखता हूँ। एक ऐसी लड़की जो इतनी अच्छी है, जिसमें कोई भी कमी ना हो, उसका पति उसे कैसे छोड़ सकता है? और आप लोग उसकी हर बात को इतना तवज्जो क्यों देते हैं? माँ, आपको तो विद्या बहुत पसंद है ना? जीजू, आप खुद कितनी तरफदारी करते हैं उसकी। और विद्या, वो तो मान चुकी है कि ये घर उसका आखिरी ठिकाना है। कोई मुझे बताएगा क्यों? बेटा, तुम नाहक फालतू बातों के बारे में सोच रहे हो। हम सब विद्या को बहुत चाहते हैं। उसने जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया, हम सब उसके एहसान मंद हैं। बस इसलिए उसकी मदद करना चाहते हैं, और कोई बात नहीं है। अब तुम आराम करो। अनिकेत, छोटी माँ, चलिए, गुड नाइट बेटा। नहीं दी, बात कुछ और है। ये क्या करने जा रहे थे आप दोनों? अगर मैं सही वक्त पर नहीं आती तो आप दोनों सागर को सब कुछ सच बता देते, और उसका अंजाम क्या होता? आप दोनों की इस गलती का अंजाम क्या होता, इस बात का एहसास है आप दोनों को? और जिस राह पर तुम हमें चलने को कह रही हो, वो कहां जाके रुकेगी, ये अंदाजा है तुम्हें? सिंदूरा, झूठ की लंगड़ी टांगों पे इतना यकीन मत करो। ये बहुत लंबी नहीं चल सकती। झूठ को और खींचकर तुम हम सबके लिए मुश्किलें मत पैदा करो। अगर आज हमने तुम्हें रोक दिया होता तो झूठ का ये बोझ हम सबके सीने से उतर गया होता। और विद्या की जिंदगी भी सुधर जाती। छोटी माँ, विद्या के दुख का एहसास है मुझे, लेकिन आज जो आप दोनों करने जा रहे थे ना, उससे विद्या का दुख कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता। आज कम से कम वो सागर को ठीक ठाक देकर मन ही मन दो पल मुस्कुरा तो लेती है, लेकिन आप दोनों की इस हरकत से अगर सागर की हालत पहले जैसी हो जाती तो विद्या के आंसू जिंदगी भर नहीं थमते। सिंदूरा प्लीज, सागर की तबीयत अब इतनी नाजुक भी नहीं है। अगर वो ठाकुर साहब की खबर सुनकर धीरज रख सकता है तो वो इस बात का सदमा भी सह सकता है। तो ठीक है, अगर आप दोनों को ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। इंतजार किस बात का है फिर? जाइए, जाकर बता दीजिए सागर को सब कुछ सच। जाइए ना छोटी माँ, मैं होती ही कौन हूं बोलने वाली। लेकिन एक बात आप दोनों याद रखना, अगर मेरे भाई को कुछ भी हो गया ना, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप दोनों। इतने सालों बाद मेरा भाई ठीक हुआ है, लेकिन लगता है कि आप दोनों फिर से उसे दिमागी तौर पर बीमार बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं कर ही क्या सकती हूँ। जाइए, बता दीजिए सागर को सब सच बता दीजिए।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। चीनू जी, लुकिंग मेरी न्यू ड्रेस, हाउ मी लुकिंग? जैसे सरसों के खेत में भैंस खड़ी हो। क्या चीनू जी, आप हमेशा जोकिंग करते रहते हैं। सच्ची बताइए ना, वो कतरीना कैफ अपनी फिल्म में पहनती है वैसी है ना, और वो चील चील जस चील। अच्छा अच्छा, देखिए चील कवा बंद कीजिए आप। देखिए शालू, आपको कितनी बार समझाया हमने, आप ये फिल्मी पुलाव पकाना बंद कीजिए। आप जैसी भी हैं अच्छी हैं, आप सिर्फ हमारी पत्नी बनकर रहिए, और हमें कतरीना करीना ये सब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारी पत्नी शालू चाहिए और कोई नहीं। चीनू जी, जब आप ऐसी बातें करते हैं तो मुझे कुछ कुछ होता है। हमें भी आपका भोलापन बहुत अच्छा लगता है। शालू इधर आ। शालू आ इधर। बट व्हाई मामा? आ तो। बड़ी खूबसूरत लग रही है। आज तो तू रानी मुखर्जी को भी मात देगी। सच? अब तो समझो मेरा काम हो ही गया। शालू चल। पर चीनू जी। चल ना। चीन चल। बांसुरी को तो समझा ले, मगर बांस का क्या करेंगे? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव बंधनात् प्रत्योर्मुक्षेयम् आमृतात्। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए ना। विद्या, मैं तुम्हारे पति से मिलना चाहता हूँ। अरे पति से? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, मैं तुम्हारे पति से मिलना चाहता हूँ। आज शाम